गांव इंद्रगढ़ में पारक व 3 पॉइंट सिस्टम 5 पॉइंट तालाब सिस्टम की जायजा लेने के लिए आज जिला उपायुक्त अपनी टीम के साथ गांव में पहुंचे। उपायुक्त ने देखा कि किस तरह से तालाब के निर्माण का कार्य चल रहा है, किस तरह से निर्माण कार्य हो रहा है, निर्माण कार्य में कहीं कोई अनियमितता तो नहीं है। इसके बाद उपायुक्त गांव में बन रहे खेल स्टेडियम को देखने पहुंचे। उपायुक्त ने पार्क को भी देखा कि किस तरह से वहां पार्क का निर्माण होना है। यह पार्क लोगों के लिए शुद्ध वायु व वातावरण प्रदान करेगा। 3 पॉइंट सिस्टम बहुत एक अच्छी चीज़ है। इसमें पहले पॉइंट में पानी जाएगा, फिर आगे नीचे जो दलदल रहेगी वो पहले पॉइंट में रहेगी, फिर आगे जाएगा, फिर तीसरे पॉइंट में जाएगा, उससे फिर आगे जो साफ पानी है वो आगे जाएगा। आगे एक तालाब बनाएंगे, गंदा पानी तो पहले उसमें आ जाएगा, उसकी लगातार कंटिन्यू सफाई चलती रहेगी। ये काफ़ी ये दो खड्डे तो 3 साल से बने हुए हैं, खेती के लिए पानी यूज होएगा। ये गांव का जो गंदा पानी है वो जाए इकट्ठा? हाँ जी, ठीक है। इस पे अभी काम लगा है 5-6 दिन है। ये कब तक पूरा हो जाएगा? ये 30 सितंबर तक पूरा हो जाएगा। कितने इस पे पहले इस पे आया था? कम 11-12 लाख रुपए लागत आ गई थी। आगे एक्शन साहब काम करवा रहे हैं, इसके बहुत अच्छा मान रहे हैं लोग, गांव के लोग। इसका बहुत लाभ क्या क्या होगा गांव के लोगों को? तो गांव इधर पार्क बनेगा हमारा, ठीक है। इस पे चलने फिरने के लिए पेड़ भी लगेंगे, अच्छा वातावरण, सब कुछ बहुत अच्छा वातावरण रहेगा। यहाँ पे गंदा पानी तो आगे ही जाएगा जो खेतों के लिए यूज होएगा। बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा 3 पॉइंट सिस्टम।